स्वागत है। इधर से विकास। ये तस्वीरें समय करनाल के सेक्टर 13 से देख रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि नगर निगम चुनावों को लेकर कहीं ना कहीं सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं। सीएम सिटी है, इस पर कहीं ना कहीं सबकी नजर है। और अशोक तंवर जो करनाल के अपने 2 दिन के विशेष दौरे पर पहुंचे हैं, स्पेशल नगर निगम चुनावों को लेकर वे यहाँ करनाल पहुंचे हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें भी इंतजार है करनाल में एक मजबूत महिला उम्मीदवार का, जिसको लेकर जगह जगह अशोक तंवर जा रहे हैं। इस समय लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, करनाल पहुंचे हैं अशोक तंवर का। सेक्टर 13 में स्थित गोयल परिवार द्वारा स्वागत किया जा रहा है। तस्वीरें समय आप देख सकते हैं कि अशोक तंवर करनाल के सेक्टर 13 में स्थित निवास स्थान पर पहुंचे हैं। राम राम जी, राम राम जी, राम राम। पहले आप लोगों से जी ले विकास, थोड़ा ठीक रहेगा ये लिया हुआ है पहले वाइल हो गया आप अच्छा तो करनाल पे कर लेंगे बैठ दोबारा बैठ तो दोबारा लेते हैं। तो इस समय तस्वीरें आप देख रहे हैं और हम आपको बताएं कि नगर निगम चुनाव है हरियाणा में, 5 जगहों पर नगर निगम चुनाव है जिनकी तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। जहां बीजेपी पार्टी अपने मजबूत उम्मीदवार ढूंढ रही है, वहीं कांग्रेस भी चाह रही है क्योंकि करनाल एक महिला सीट आरक्षित है, और ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जो है एक मजबूत महिला उम्मीदवार ढूंढ रही है। हालांकि क्योंकि इसी के मद्देनजर 5 से 7 महिला उम्मीदवारों द्वारा जो है यहाँ पर निमंत्रण दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक फाइनल चयनित नहीं किया गया। इस समय कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अशोक तंवर यहां पहुंचे हैं, उनसे हम जानना चाहेंगे, सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, नगर निगम चुनाव हरियाणा में 5 नगर निगमों में है, करनाल अपने 2 दिन के दौरे पर पहुंचे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं प्रदेश की जनता को बधाई देता हूँ कि भाजपा के राज से मुक्ति का समय आ गया है, और लगातार हम सब देख ही रहे हैं, हर वर्ग आज दुखी है और पूरा हरियाणा इंतजार में है कि कब चुनाव हो, विधानसभा के, लोकसभा के, अब नगर निगम के चुनाव आ गए हैं, तो इसी से बदले लेना शुरू करेगी जनता। जो जो इन्होंने बड़े बड़े वायदे किए थे, 15 लाख घर घर पहुंचेंगे, 5 अगर मेंबर हैं तो 75 लाख बन गए, अगर 5 साल में नहीं दिए तो डबल हो गया, 1.5 करोड़ हो गया एक एक परिवार का। तो ये जितने भी मामले हैं, इसी तरीके से किसान को स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू ना करके उनको उनके अधिकार से वंचित रखा, नौजवान को रोज़गार नहीं दिया, हमारे जो व्यापारी है छोटा व्यापारी उसका व्यापार ख़त्म कर दिया, मध्यम और जो छोटे उद्योग हैं जो इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ थे उनको पूरी तरीके से गलत GST लागू करके, नोटबंदी करके ख़त्म करने का काम किया है। और इसी तरीके से मैं समझता हूँ कि कर्मचारी वर्ग हो, कर्मचारी भी आज इस सरकार में लाठी गोली डंडे के अलावा कर्मचारियों को और जो आंदोलन करने वाले लोग हैं उनको कुछ नहीं मिला। प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है वो चाहे करनाल हो चाहे कहीं भी हो, आए दिन जो अपराधी हैं वो अपराध, अभी भी ब्रेकिंग एक जगह से आई, सिरसा से ही आई है कि 20 लाख रुपये लूट लिए। 2-3 दिन पहले झज्जर में अपराधियों ने मुंह ढक करके पेट्रोल पंप पर लूट मार करी और हथौड़ों से मारा, आदमी मर गए, उसमें से कोई एक दब बच जाए तो मैं समझता हूँ कि ऊपर वाले की कृपा होगी, लेकिन सरकार का उसमें कोई किसी तरीके से बचाने में कोई रोल नहीं है। तो आए दिन महिलाएं हों उनके खिलाफ अपराध है, किसान पराली जलाता है उसके ऊपर केस हो जाते हैं, लेकिन सरकार ने जो जगह जगह कूड़ा करकट के ढेर लगा करके, हमने कल से एक अभियान शुरू किया है सेल्फी विद गार्बेज, कूड़ा करकट के साथ गार्बेज, और ये बीजेपी वाले ये खुद गार्बेज, जिस दिन मिलेंगे इनके साथ सेल्फी डालेंगे कि ये अगला कूड़ा करकट ही है, इसको डस्टबिन में डालो। तो सर सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे या अभी तक फाइनल नहीं किया? नहीं, मीटिंग है, सारी जगह मीटिंगें जा रही है, हमारे हमने प्रभारियों को कहा है जा करके मीटिंग ले,
और यहाँ तो मैं खुद आ गया हूँ सबका। सर मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र है नगर निगम, उन्होंने लिबर्टी के जो ओनर है शमी बंसल उनको टिकट देने की बात कही है, लेकिन बीजेपी वाले को टिकट नहीं दी। देखिए वो पूंजीपतियों के साथ हैं, हम गरीब किसान मजदूर के साथ हैं, और उनको वही मुबारक हो। हम तो जो संघर्ष करने वाले साथी होंगे, जनता का जिसके ऊपर मन टिकेगा, उन साथियों की समीक्षा करके और सारी रिपोर्ट लेकर के अगले 4-5 दिन के अंदर पार्टी फैसला करेगी। लेकिन मोटे तौर पर लोगों का ये मानना है कि पार्टी सिंबल पे चुनाव होना चाहिए, उस पर स्पष्ट रहेगा कि पार्टी का अधिकृत उम्मीदवार कौन है। आज अगर लोग बदलाव चाहते हैं, कांग्रेस के माध्यम से चाहते हैं, राहुल जी के नेतृत्व को मजबूत करना चाहते हैं, कांग्रेस की नीतियों और कार्यक्रमों में विचारधारा में विश्वास व्यक्त करना चाहते हैं, उनको ये हाथ का सिंबल चाहिए जो मिलेगा। सर 2 दिन करनाल के दौरे पर हैं, कई जगहों पर जाएंगे, और कहीं ना कहीं आपको इंतजार है कि करनाल महिला सीट रक्षित है, मजबूत महिला उम्मीदवार मिले, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, महिला तो हमेशा मजबूत होती है, और जब उनको जिम्मेदारी मिलेगी करनाल का मेयर की, तो मैं समझता हूँ कि और बेहतर तरीके से काम करेंगे। और करनाल के तो इसको कहते थे स्मार्ट सिटी है, कहीं स्मार्टनेस तो दिखी नहीं, ना यहाँ दिख रही, ना फरीदाबाद में दिखती, ना कहीं और दिखती। शहर पूरी तरीके से चौपट कर दिए, बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, और जैसा मैंने कहा कि कूड़ा करकट, सीवरेज, तमाम पूरे इन शहरों को एक स्लम के रूप में इन्होंने बनाने का काम कर दिया। एक एक 1.5 फीट गहरे गड्ढे हैं। उत्तर प्रदेश बना दिया इस प्रदेश को, इतना बढ़िया प्रदेश था। गुजरात मॉडल कहते थे, गुजरात तो हमें चाहिए भी नहीं, लेकिन मॉडल जो है ये वैसा हो गया कि चौबे जी छब्बे जी बनने चले थे, दुबे जी हो गए। सर नाम कब तक फाइनलाइज किए जाने कांग्रेस की तरफ से? कहाँ नाम तो मैंने बताया, 4-5 दिन के अंदर सारा सब साथियों से बात करके और पार्टी अंतिम फैसला ले। आज करनाल पहुंचे, यहाँ सेक्टर 13 में समाजसेविका है आशा गोयल, तो क्या उन्होंने भी अपनी तरफ से जाहिर किया कि अगर पार्टी मौका देती नहीं? अभी तो कुछ किसी ने नहीं जाहिर किया, लेकिन ये तो मैं तो आज तो कार्यक्रम है सबसे मिलने का, और अगले आज भी कल भी और परसों मैं यहाँ से हिसार की तरफ जाऊँगा, हिसार में हम वो करेंगे, तो सबसे मिलने जुलने का कार्यक्रम है, और जो लड़ने के इच्छुक हैं जो जो कहेंगे उसके हिसाब से मैं समझता हूँ कि। लेकिन ये जो परिवार है ये तो बड़ा निष्ठावान परिवार है, सामाजिक इन्होंने बहुत काम किए हैं, और ऐसे लोगों के सक्रिय राजनीति में आने से निश्चित तौर पर पार्टी को और मजबूती मिलेगी, अच्छे काम होंगे। तो इस समय देख रहे थे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अशोक तंवर करनाल पहुंचे थे, और इस समय जो आशा गोयल है करनाल की महिला उनके घर पहुंची, उनसे जानना चाहेंगे हम क्या कुछ कहना चाहेंगे। महिला सीट करनाल की आरक्षित है, अगर पार्टी मौका देती है तो क्या कुछ आपकी तरफ से क्या कुछ करना चाहेंगे अगर मिलता मौका? सबसे पहले तो करनाल वासियों को मेरा नमस्कार, और मैं यहाँ पर अपने आवास पर हमारे जो प्रदेशाध्यक्ष हैं अशोक तंवर जी, उनका यहाँ पर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। हमारा सौभाग्य है कि वो हमारी कुटिया पर आए, और इलेक्शन के बारे में जैसा कि करनाल की लेडीज़ सीट रिजर्व हुई है, तो मैं हमारा परिवार कांग्रेस से काफ़ी टाइम से जुड़ा हुआ है, और मैं मतलब मायके से भी मैं कांग्रेस से जुड़ी हुई हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरे को भी अगर पार्टी मौका देगी तो मैं भी ज़रूर समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पर करनाल 25 साल हो गए मेरी शादी को, और मैं 25 सालों से यहाँ काफ़ी सामाजिक संस्थाओं से जुड़ी हुई हूँ, और मैं काफ़ी संस्थाओं की प्रधान भी रह चुकी हूँ, और इस समय भी मैं काफ़ी संस्थाओं को रन कर रही हूँ, तो अगर पार्टी मौका देगी तो मैं जरूर लड़ना चाहूंगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं नगर निगम चुनावों को लेकर, जहां बीजेपी अपनी पूरी तैयारियों में जुटी है, और हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि जहां जहां पर उम्मीदवार उतारे जाए वो हर चीज देखकर जो है उतारे जाए, ताकि क्योंकि जीत कर पहुंचना है, और कहीं ना कहीं मेयर चुनावों के बाद ही जो आने वाले लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, उस पर सीधे तौर पर यह निर्भर करता है। करनाल के सेक्टर 13 की रहने वाली आशा गोयल, जो करनाल ऑल इंडिया वैश्य महिला महासम्मेलन की प्रधान भी है, उनके घर आज पहुंचे हैं, उनकी तरफ से भी ये बात कही गई है कि अगर पार्टी उनको मौका देती है तो निश्चित तौर पर वे आने वाले समय में चुनाव लड़ेंगे, तो देखना जरूर होगा। और कहीं ना कहीं जो बीजेपी की तरफ से आज टिकट देने की बात शमी बंसल को कही गई है, इस पर अशोक तंवर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सीधे तौर पर निशाना साधा है कि बीजेपी सरकार जो है वो पूंजीपतियों की सरकार है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।